इस क्वेश्चन में हमें करंट आई फाइंड आउट करना है इन द 2 ओम रजिस्टर यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम. ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करनी है. दैट मींस बिकॉज ऑफ दीज 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेस, यहाँ पे 3 सोर्सेस लगे हुए हैं, उसमें से हमको एट ए टाइम एक सोर्स को कंसिडर करना है और 2 सोर्स को हमें उनके इंटरनल इम्पीडेंसेस से रिप्लेस कर देना है. ठीक है, तो 1 by 1 हम ये प्रोसेस करेंगे और फिर तीनों के कारण जो करंट है उनका सम करेंगे. ओके, तो फर्स्ट वी विल कंसीडर दिस वोल्टेज सोर्स और हम इन दोनों सोर्सेस को हाँ यहाँ से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हम एज इट इज रखेंगे. ठीक, तो ये जो करंट सोर्स है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, बाय ओपन सर्किट, और जो वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट वी आर फाइंडिंग द करंट ड्यू टू दिस 3 volt करंट ड्यू टू 3 volt करंट सोर्स, 3 volt वोल्टेज सोर्स. ठीक, तो हमने इन दोनों को यहां से रिप्लेस कर दिया और इसके कारण करंट फाइंड आउट करेंगे. तो इस सर्किट में देखिए ये वोल्टेज सोर्स है तो करंट कैसा सर्कल में जाएगा, लूप में, फ्रॉम प्लस टू माइनस. ये गिवन भी है आपको क्लॉकवाइज एंड यू एज्यूम इट अगेन क्लॉकवाइज. ठीक, तो आपका इस रजिस्टर में और इसमें कितना करंट फ्लो होगा, आई एम्पियर. ओके, तो आप इसके कारण ये आई एम्पियर करंट निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे इस लूप में केवीएल अप्लाई कर लेंगे. क्यों, क्योंकि बाहर के लूप में एक भी करंट सोर्स प्रेजेंट नहीं है. सो अप्लाई केवीएल इन आउटर लूप, केवीएल इन आउटर लूप. ठीक, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके वापस उस पॉइंट पे हम इसमें मूव होते हुए पहुंचेंगे. ठीक है, तो सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एक्स, यहां से हम इस डायरेक्शन में मूव हुए, देयर इज अ वोल्टेज राइज, तो कितना हो जाएगा प्लस 0.5 I. यहाँ पे इस करंट के डायरेक्शन में मूव हुए तो हमें क्या होगा, वी आर मूविंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, दैट मीन्स माइनस 2 I. ओके, फिर हम यहाँ पे आए तो अगेन वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज माइनस 4 I. इसमें हम जब मूव करेंगे देयर इज अ वोल्टेज राइज, दैट मीन्स प्लस 3 volt इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी गॉट बाय अप्लाइंग केवीएल इन आउटर लूप. इसको सम करिए क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस 1.5 I. ओके, माइनस 1.5 I एंड माइनस 4, दिस इज माइनस 5.5 I. माइनस 5.5 I इज इक्वल्स टू 3. ओके, इज इक्वल्स टू 3. दिस इज द सिंप्लीफाइड इक्वेशन. सो I विल बी इक्वल टू और द करंट ड्यू टू द 3 volt वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू 3 by 5.5. ओके, एम्पियर, दिस इज अवर करंट. सो सिंप्लीफाइड इसको हमने ये किया तो ये हो जाएगा 10 दिस इज 6 by 11 एम्पियर. और करंट का डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव, दैट मीन्स क्लॉकवाइज. इसके कारण जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज क्लॉकवाइज एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. अब हम करंट ड्यू टू सेकेंड सोर्स दैट इज आप 4 volts के कारण कंसिडर कर लीजिए. तो ये आपका 4 volts था, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस. ओके, यही साइन था इसमें और आप बाकी सोर्सेस को यहां से हटा दीजिए. ठीक है, नाउ द करंट टू दैट इज ड्यू टू 4 volts, इसको आप कैसे रिप्लेस करेंगे, वोल्टेज सोर्स है इसलिए ये शॉर्ट हो जाएगा. अगेन वी विल अप्लाई द केवीएल. ओके, केवीएल इज द कन्वीनियंट मेथड फॉर इफ वी आर नॉट हैविंग करंट सोर्स इन द लूप. ओके, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम क्या होगा, ये वोल्टेज राइज है तो प्लस 0.5 I. इसमें मूव हुआ तो हमने करंट की डायरेक्शन में गए तो देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज माइनस 2 I. हम इसमें गए देयर इज अगेन वोल्टेज ड्रॉप माइनस 4. यहां पे आप मूव हुए देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप क्योंकि आप करंट की डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, दैट इज माइनस 4 I.
is equals to 0. इसको simplify करिए तो क्या आया 6 minus 0.5 that is minus 5.5 i. ये कितना हो गया minus 5.5 i. minus 4, 4 इस साइड गया आपका तो it is minus 4 and i is equals to nothing but 4 divided by minus 4 divided by 5.5. आपने इसको जब simplify किया this is minus 8 by 11. This is suppose i1, i2 is the volt current due to 4 volts. This is i2. ये कितना हो गया आपका 8 by 11 with minus sign. इस minus sign का क्या meaning है कि इस voltage source के कारण जो current flow हो रहा है that is not clockwise, that is anti-clockwise. Okay, so let it remain minus sign. हम उसको जब add करेंगे तो वो आपको resultant बता देगा clockwise है या minus clockwise. अब due to the third आप source that is 2 ampere current source. ठीक, current source आपका यहाँ पे था. Now we will find the current due to this current source. Yes. ओके, अब दो लूप्स हो गए आपके. एक लूप में हमने करंट ऐसी अज्यूम करी है, दूसरा लूप ये है, इसमें भी आप करंट कैसे किस डायरेक्शन में अज्यूम करिए क्लॉकवाइज. ओके, तो यहां पे करंट जो है सपोज इट इज i1 और ये वोल्टेज सोर्स जो है आपका ये शॉर्ट हो जाएगा और हमें करंट निकालना बिकॉज़ ऑफ दिस करंट सोर्स. तो अब हम क्या करेंगे, वी कैन अगेन अप्लाई द केवीएल हियर. But before that, हम इस junction पे apply करेंगे KCL to find the value of I1 in terms of 2N I. ठीक है? तो हम क्या करें? Apply KCL in सबसे पहले Kirchhoff's current law at junction A. ठीक है? At junction A. क्या किया, यह नोड ए आप जंक्शन के बोल दीजिए. तो यहां पे दो करंट्स इनकमिंग है, वन ऑफ देम इज आउटगोइंग. तो इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट. दिस इज योर वर्क केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ. तो आपकी कितनी इनकमिंग करंट है आई प्लस 2 और आउटगोइंग करंट है आपकी आई 1. आई 1 इज इक्वल्स टू आई प्लस 2. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर आई 1. ओके, आप इसको आई ए ले लीजिए. दिस इज आई ए, दिस इज आई बी, बिकॉज यहाँ पे भी मैंने आई वन नोटेशन यूज कर लिया. ठीक है, तो ये आई वन करेंट है एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ इज आई प्लस 2. तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आई प्लस 2 करेंट है. ओके, तो सिंप्लीफाइड हो गया. अब हम इस आउटर लूप में फिर से केवीएल अप्लाई करेंगे. केवीएल इन आउटर लूप, अगर आपको बाहर करंट सोर्सेस नहीं मिल रहे हैं या किसी लूप में तो इट इज कन्वीनियंट, इट इज मोस्ट प्रेफर्ड मेथड केवीएल. ओके, तो केवीएल अप्लाई किया हमने, इस पॉइंट से स्टार्ट किया अगेन प्लस 0.5 आई. यहां पे हम करंट की डायरेक्शन में गए माइनस 2 आई. यहां पे हम इस करंट की डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं अगेन माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय I plus 2 is equals to 0. ये हमारी थर्ड इक्वेशन है बिकॉज ऑफ दिस 2 एम्पियर करंट. तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एंड 4 6, 6 में से 0.5 गया 5.5. तो ये हुआ आपका माइनस 5.5 आई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8. ओके, ये हमारी सिंप्लीफाइड है. तो हम I की वैल्यू निकाल लेंगे, दिस इज 8 डिवाइडेड बाई 5.5 and the sign is minus. यहां से decimal गया आप 16 by 11 with minus sign. So your IC is IABC, IC is minus 16 by 11. Okay, first value IA is 6 by 11 with plus sign and IB is minus 8 by 11 and IC is minus 16 by 11. तो 2 एम्पीयर के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज. अब हम टोटल करंट निकाल लेंगे. टोटल करंट I इज इक्वल्स टू IA प्लस IB प्लस IC. ठीक है,
तीनों सोर्सेस के कारण इंडिविजुअल करंट हमको कैलकुलेट करना होता है सुपरपोजिशन थ्योरम में। दोनों सोर्सेस को हम रिप्लेस कर देते हैं, बाकी दोनों सोर्सेस को दो है तीन है उनको हम रिप्लेस कर देते हैं उनके इंटरनल इम्पीडेंसेस से। तो हम इसमें आई ए कितनी है आपकी 6/11, ये कितनी है आई बी -8/11 और ये कितना है -16/11। जब हमने इनको सम किया तो कितना आया 24 24 -6 दैट इज -18/11। और डायरेक्शन क्या है आपके करंट का, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था क्लॉकवाइज, बट ओरिजिनल और द फाइनल रियल एक्चुअल डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसे फ्लो हो रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे फ्लो हो रहा है एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज वैल्यू इज -18/11। इस डायरेक्शन में आपका करंट आई फ्लो हो रहा है एंड इट इज 18/11 एम्पियर। ओके दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू।